दरवाजे मुराई लाल बाबा हट बाजा बाजी के ना बाजी धन्यवाद आइए हमारे कमेटी के सभी बेलो और आप लोगों से निवेदन साधारण गीत दे रही हूँ सुनिएगा फिल्म दुनिया वाले गा रहे हैं हमको फिल्म की लाइन याद नहीं है। और क्या और क्या हम लोग फिल्म की लाइन इसलिए याद नहीं रखते क्योंकि हम लोग पिक्चर नहीं देखते हम लोग देखते हैं रामायण और महाभारत तभी तो ज्ञान हो रहा है बेटा अच्छा जो मैंने प्रस्तुति की श्री रामचंद्र जी का व्याख्यान किया है कम ब्राह्मण से और उस पर प्रश्न होकर के भैया की तरफ से 51 पद मुद्राएं भेंट हुई हैं नमन कर रही हूँ ये हमारे सम्मान श्री शक्रीदी टमाटर वाले वाह एक बार जोरदार तालियां हो जाए वाह कितने चाहने वाले और क्या वाह 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 भैया मुकेश के लिए भी 51 पद मुद्राएं हैं और क्या बेटा मुकेश तुमको भी सक्रीदी भाई बहुत प्यार करते हैं सिर्फ हम पद नसीब है कि हम तुमको निगाहों में इस तरह छुपा ले तुम चाहे उछलो कितना हम तुमको याद नहीं हम अपना गीत सुना रहे वो सुनिएगा भगवान भोलेनाथ से भस्मा ने वरदान कि भोलेनाथ हम जीप पर हाथ रख दे कई दिन भस्म 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 वही भस्म हो जाए भोलेनाथ ने कहा ए मस्तु ऐसा ही होगा अब भस्मा ने कहा देखो भोलेनाथ आपने वरदान दिया है तो पहले आप ही से प्रयोग कर ले वरदान झूठा है कि सही है चचा के लिए सक्रीदी टमाटर वाले भैया बिल्कुल बेटा बिल्कुल बहुत नाज है अब हमको कि सक्रीदी भाई हमको बहुत प्यार करते हैं वाह 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 और ये फिर मेरे लिए सक्रीदी भाई जी आपके करकंडों से फोन आए 51 पद मुद्राएं धन्यवाद है सुनेगा सुनिए अब असमा पीछे पड़ गया भोलेनाथ भाग रहे हैं तू भागे करे या
विष्णु का। भगवान विष्णु वहां गए और किया क्या? भस्मा के अगल बगल डोलने लगे। भस्मा ने कहा आए सुंदरी, मेरे साथ चलोगी? भगवान ने कहा बिल्कुल चलेंगे, बिल्कुल चलेंगे। तो भगवान ने कहा लेकिन शर्त है, क्या? जैसे हम नाचोगा आपको वैसे करना पड़ेगा, जैसे जैसे हम करें। भस्मा ने कहा बिल्कुल करेंगे। तो भगवान ने कहा, भगवान अपने आप में सोच रहे भस्मा, ए भस्मा, हम अपनी अदाओं से वो जादू चला दे, हम अपनी अदाओं से वो जादू चला दे, भसम भसम तो भस्म होएगा खत्म 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 खत्म। अब आगे भैया, ए भैया भैया भैया, हमें बुला लिए, घात करते हो, हम गाते हैं गाना, बात करते हो, सुने सुने राक्षस आया जिसका नाम है धूम लोर। उसकी एक विशेषता थी कि वो जिसकी तरफ भी नजर उठा देता था वो खत्म हो जाता था, इसलिए वो हमेशा अपनी आंखों पर पर्दा डाले रहता था। और जैसे वो लड़ने के लिए आया तो बाना बालू घबराने लगे, बोले प्रभु प्रभु अरे डाले दर्पण की तरह बना लिया। अब जब वो दर्पण की तरफ नजर उठाएगा तो उसमें कौन देखेगा? वही देखेगा कि नहीं? और क्या, अब राम जी कह रहे हैं जब हम तेरी निगाहों में यूं दर्पण बुला देंगे, तेरी निगाहों से तुझे चिंता बुला से जला देंगे, तेरी ही हलाओं से जला देंगे। आखिर
तो प्रसन्न है। सुना भगवान कन्हैया रण में से भाग खड़े हुए और रण में कौन था सामने काल लिया गया और कन्हैया भागे रण से तो उनका नाम पड़ गया रण छोड़दास। रण छोड़दास क्या नाम पड़ा? रण छोड़। भैया उंगली से लिख के बता रहा ये। लेकिन जब भागे कन्हैया तो काल लिया वाले कहने लगा ऋषि वरदान से सोए हुए हैं। कन्हैया सोच रहे हैं क्या तेरे सोया वरदान से तू जगा दे से अरे काला से तू बचने न पाए बचने न पाए। तो भगवान उड़ा दिया। वहीं छुप गए और कालियावन भागा भागा पहुंचा बोले अरे रंछो अरे रंछो यहाँ लेट गया। यहाँ लेट गया के जोर से उसने जैसे अपने पैर का प्रहार किया और ऋषि मुचकुंद क्रोध में जागे और क्रोध में जैसे जागे तो कन्हैया दूर से हंस रहे सोच रहे हैं कालियावन उनकी निगाहों में इस तरह हौसला दे वो अपनी निगाहों से तुझे जिंदा जला दे। अब ना बुलाना दादा नाना तौबा तौबा जब बुलाना तो केवल भैया महान कलाकार को बुलाना हम लोगों को बुला के टाइम और पैसा का लेकिन आइए आप मेरी तरफ से एक और गीत का जवाब आपका एक आपने गाया एक घंटा 35 मिनट की माफे की मीडिया बोले चैलेंज के साथ आएंगे तो कभी नहीं दबा पाओगे। और रही बात आप यार की तो ये सर भी आ गए हमारा तुम्हारे लिए जब दे दो तब झुका देंगे लेकिन इस तरह नहीं कि तुम चाहे चलो
चल रहा है, देख रहे हैं। अदाओं का जादू चला दोगे तो तुम्हारे क्या क्या डालो है, लेकिन अब इधर से देखो कि बिना अदाओं का काम कैसे होगा। कि हम जला देंगे, जितना जला देंगे। ऐसा क्या हमने पूरा कर दिया? जय 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 देवी। बहुत अच्छा गीत आपने गाया, भस्म से कहा, भस्मा से कहा महादेव ने कि तुम्हारी अदाओं से मैं तुमको जितना जला दूंगा, लेकिन देखिए आइए प्रयास है इधर से कि हम सत्यम शिवम सुंदरम है, ये बात है। शिवो प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। आइए आपको जला जला सिर्फ भस्म कर देंगे, लेकिन हम क्या कर देंगे सुनिएगा कि हम कल्पना है ये कि हम तुमको जला देंगे, अरे फिर से जला देंगे। यहां से आपका पाप है, पापों की फाकियां उठी में तो नहीं आएंगी। बहुत अच्छे काम में तो काम आइए आसानी का। उन्होंने उस बबली को जला दिया, बबली को, और फिर जला के जिंदा कैसे किया, जला के किया तो हम तुमको अभी भी मिल गए। है तो हम तुमको अभी भी मिल गए, अरे चला देंगे कि नजरों में हम तुमको चला देंगे।
क्या बात है समय का, लेकिन हमको नहीं, आप फिल्म नहीं देखती, आप रामायण देखती हैं। वो रामायण तो आपके दिमाग में चलती है। लेकिन बेटा ये 35 मिनट का हमारा जवाब लीजिएगा, दूसरा सुनिएगा।